दो देशों के बीच दुश्मनी होती है और उनके बीच युद्ध होता है तो उनके भी नियम होते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में दोनों देशों की तरफ से सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे पर हमले किए गए। सैन्य हथियार और अन्य मामलों में यूक्रेन की तुलना में रूस मजबूत स्थिति में है, तो उसने हमलों में नियमों की अधिक अनदेखी की और यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक कई बार हमले कर चुका है। अब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। रूस के हमले ने पूरे यूक्रेन के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। ये हमले लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों और अन्य सैन्य हथियारों से किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि हमला कीव क्षेत्र में भी हुआ था। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि बैराज में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली 50 से अधिक मिसाइलें और 20 ड्रोन शामिल थे। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना ने रूस की 39 मिसाइलों और लगभग सभी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री जर्मन गैलुश्चेंको ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि रूस ने पोल्टावा, किरोवोग्राद, लविव, इवानो फ्रेंकिवस्क, विनित्सा क्षेत्रों के साथ साथ रूस के जापोरेजे क्षेत्र के यूक्रेन नियंत्रित हिस्से में बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन सुविधाओं पर हमला किया। इसके साथ ही मंत्री ने लोगों से ऊर्जा को बचाने का भी अनुरोध किया है। पावर ग्रिड ऑपरेटर DTEK ने इस घटना को यूक्रेनी ऊर्जा उद्योग के लिए एक और बेहद कठिन रात बताते हुए कहा कि रूस ने उसके 3 थर्मल पावर प्लांटों पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमलों से मध्य क्षेत्र में एक साइट पर उपकरण भी प्रभावित हुए हैं। रूसी हमले से यूक्रेन के रेलवे को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी रेलवे ने खेरसोन में नागरिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूचना दी। हमले में रेलवे की पटरियां और स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे यातायात बाधित हो गया है। लिविव क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख मक्सिम कोजिस्की ने कहा कि हमलों में एक स्थानीय भूमिगत प्राकृतिक गैस भंडारण और एक थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने पिछले हफ्ते कहा था कि बार बार होने वाले रूसी हमलों ने देश की आधी ऊर्जा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि रूस ने पहली बार साल 2022 में यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। उसी वर्ष अक्टूबर में यूक्रेन ने रूस के क्रिमियन ब्रिज पर हमला किया था। हालांकि शुरुआत में यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसने हमले में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि उसका उद्देश्य रूसी रसद को कमजोर करना था।